हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुनगुन। वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी टोस्ट। इसे हम रवा टोस्ट भी कहते हैं। आप इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं और ये खाने में बिल्कुल पिज्जा जैसा लगता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसे आप शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सूजी टोस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सूजी टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 6 ब्रेड, 2/3 कप सूजी, आधा कप दही, एक छोटा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच घी, स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम एक बाउल में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें सूजी ले लिया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालने से इसका फ्लेवर बिल्कुल पिज्ज़ा जैसा लगता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक करके ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम ब्रेड में केचप लगा लेंगे। सारे ब्रेड में एक साथ केचप नहीं लगाएंगे, पहले हम 3 ब्रेड में केचप लगा लेंगे। ये हमने 3 ब्रेड पे केचप लगा लिया है और 10 मिनट भी हो चुके हैं, सूजी हमारी फूल चुकी है। अब ब्रेड पर हम सूजी का मिक्स लगा लेंगे। जैसे कि हम बाकी टोस्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हम बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे फिल कर लेंगे। ये मैंने तीनों ब्रेड पे अच्छी तरह से सूजी मिक्स लगा लिया है। इन तीनों को सेकते समय हम बचे हुए ब्रेड पर भी केचप और सूजी मिक्स लगा लेंगे। तो अभी हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की फ्लेम जलाकर एक पैन गरम कर लेंगे और पैन को हम हल्का गरम होने देंगे। जब पैन हल्का गरम हो जाए तब उसमें हम घी को अच्छी तरह से फैला लेंगे, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और घी जब हल्का गर्म हो जाए हम इसके ऊपर ब्रेड के टोस्ट रख देंगे। और टोस्ट रखने से पहले हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे, उसके बाद ही रखेंगे। ये मैंने तीनों टोस्ट पैन में रख लिए हैं। अब इसे हम ढक करके तब तक पकाएंगे जब तक कि ये नीचे से हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और इसे ब्राउन होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये नीचे से बिल्कुल परफेक्ट पका है। अब इसे हम पलट लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। तो इसे हम पलट करके भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम बाकी बचे हुए ब्रेड पर भी सूजी मिक्स लगा लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे और हम इसी तरह से बाकी के भी टोस्ट को सेक लेंगे। ये मैंने सारे टोस्ट को अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये देखने में कितने टेस्टी दिख रहे हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।